अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, फूलों की तरह उम्मीद करते सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के बड़े अकरम से हम भी ठीक है, घर वाले भी सब ठीक है। जो बीमार अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए, जो भी औलाद अल्लाह पाक उनको नेक सलाह औलाद देते। मसल से सुबह का घर हो चुका है, तो हम भी नए लोग में हाजिर हो चुके हैं। तो कल जो है हमने वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी, वीडियो जो है कल जो है हमारे रिश्तेदार थे, करीबी रिश्तेदार थे, बल्कि मेरे कज़न था जी। उसकी जो है बेटी का जो है डेथ हो गई थी जी। तो सारा दिन जो है हम वहाँ पे थे जी। हम वीडियो नहीं बना सके, तो शाम को वापस आए थे हम रात को जी। तो इसलिए वीडियो हमारी नहीं बन सकी। तो अभी जो है आप बहन भाइयों के साथ हम सुबह की रूटीन जो है शेयर करते हैं जी। जैसे सुबह की जो है रूटीन होती है जी। वैसे पहले मुझे ये बताओ, आपकी अम्मी ने कॉल की थी कि वो सर्टिफिकेट लेनी है बच्चों की, क्योंकि बच्चों को वहाँ दाखिला करवा रहे हैं। तो कुछ बच्चों की यहाँ से लेकर गए थे ना सर्टिफिकेट जी। और कुछ जो है रहती थी जी। वो जो है ना सुबह कल मैंने टीचर से बात की थी, तो उसने बोला कि जो है ना आप कल 8 बजे जो है ना ले जाना। तो सुबह 8 बजे अम्मी जो है ना गई, वो ले आई है। अच्छा, वो रखी हुई है जी, वो रखी हुई है। कितनी थी? दो। किसकी? मैंने नहीं देखा। अच्छा। एक तो यकूब की थी, तो और तो नहीं किसकी थी, ये देखो। अच्छा हाँ जी, ये देखें यकूब अफजल, तहर अफजल। हाँ ये दो उनकी थी, स्कूल पढ़ेंगे। हाँ ना। अच्छा। हाँ जी, कुछ पहले कुछ मजबूरियां थी, नहीं पढ़ सके, अभी तो लाजमी है ना पढ़ना जी। तो वहाँ पे दाखला करवा रहे हैं ना, छोटे बच्चों को पहले दाखला करवाएंगे, फिर वो दोनों को, तुम्हारे भाई है ना वो जी, उनका भी दाखला करवाएंगे। सही है, वो इतने हाँ। बड़े तो नहीं हो गए, वो जो है ना अब पढ़ सकते, उम्र है उनकी। आपकी भी उम्र है, आप भी पढ़ सकती हो जी। तो इसलिए जो है सर्टिफिकेट भी आ चुकी है, अभी मोहिउद्दीन भाई को देंगे, वो जब घर जाएगा, अभी तो यहाँ पे रह रहे हैं अपने ससुराल में रह रहा है, तो जब वो जाएगा तो उसको दे देंगे। आपकी अम्मी ने बोला था कि जब वो आए उनको दे देना। सही है। हाँ जी, हम तो नहीं जा सकते ना अभी जी। तो सही है, मदरसा जो है ना दादा जन बनवा रहे हैं, तो मैं जो है ना वहीं पढ़ूंगी। हाँ। दादा जन पढ़ाएगी तो मैं जाऊंगी इंशाल्लाह पढ़ूंगी। अच्छा जी, चलो देखेंगे जी। अक्सा पढ़ेगी? हाँ, अक्सा पढ़े। आप पढ़ोगी? मदरसा जाओगी? नहीं। कुछ कह रही है? क्या बोल रही है? मदरसा जाना है, स्कूल जाना है जी। हाँ। अच्छा अच्छा, कहते जाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चाय जो है हमारी तैयार हो चुकी है, अभी जो है अम्मी जान देना स्टार्ट कर रही हैं। माशाल्लाह, ये देखें। और उसके साथ जो है हमारे रस भी आ चुके हैं। ये है हमारा सुबह का नाश्ता, पहले जो है हम नाश्ता करते हैं, और जिस बहन भाई ने करना है वो आके हमारे साथ कर सकते हैं। चाय जो है रेडी है, चाय बन गई है, जहाँ बहन भाई खाना पीना है आके पी सकता है। हाँ जी, और यहाँ पे देखिए रुकिया सिस्टम में जो है पूरे सहन में जो है झाड़ू लगा दिया है। तो मसल से कमरे की सफाई जो है ना मैंने ये देखे मुकम्मल कर दी, और जो है ना चार पाए वगैरह डाल दिए, और जो है ना बक्से की सफाई सारी कर दी, कपड़े वगैरह जो है ना मैंने तय करके जो है ना कमरे में रख दिया, और ये देखे अक्सा बेटी को भी सला दिया, क्योंकि आज जो है ना रेडी नहीं हुई अक्सा बेटी। अक्सा बेटी जो है ना आज रेडी नहीं हुई, क्योंकि वो जो है ना उसको नींद आई हुई थी, तो वो ज्यादा ना रो रही थी, तो मैंने जो है ना उसको पहले सला दिया, तो जब जो है ना उठेगी इंशाल्लाह उसको रेडी करवाऊंगी, और जो है दवाई वगैरह भी पिलानी है उसको पिलाऊंगी। तो अब जो है ना मैं चलती हूँ बाहर, तो मशीन से आटा जो है ना मैंने ढाक कर रख दिया, ये जो है ना बाद में मैं जो है ना पकाना स्टार्ट करती हूँ। तो माशाल्लाह से रुकिया सिस्टर से पूछते हैं जो कि वो क्या कर रही है, क्या कर रही हो, किस चीज के लिए पानी।
अच्छा पानी उबालना है और जाना कपड़े धोने हैं जी। तो प्यार बहन भाई सिस्टर जाना रुकिया सिस्टर जाना पानी उबाल रही है वो जाना मशीन में डालेगी थोड़ा गर्म पानी देगा हो जाना कपड़े अच्छे तरीके से धो जाते हैं इसलिए जाना वो थोड़ा सा गर्म पानी करेगी नीम गर्म पानी तो वो मशीन में डालेगी और जाना कपड़े वगैरह धोना स्टार्ट करेगी इंशाल्लाह शेयर जरूर करेगी। तो मैं सबसे साइन की सफाई जाना मेरे मुकम्मल जैसे कि कर लिया है और जाना कपड़े वगैरह भी आज मशीन लगे हैं सारे कपड़े धो दिया है तो मैं सबसे कपड़े वगैरह जाना मैंने सारे धो दिए ये तो ना भी मैंने धोया और जाना ये भी जितना भी मैंने धोया अक्सर बेटी के भी कपड़े हैं और मेरे भी हैं और जाना शहर साहब के भी हैं तो माशा से आटा वगैरह है मैंने गूंद लिया है ये देखे ये रखा है हमारा आटा और ये है हमारा प्लेट है अब जो है आटा वगैरह गूंद लिया है अब जो है मैं इसको जो है पकाना स्टार्ट करती हूँ तभी वगैरह धो लिया लकड़ी वगैरह आ चुकी है और चार पाँच जो हमारी छोटी आ चुकी है अब जो है रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ सिर्फ जो है ना आग जलानी है और जो है बिस्मिल्लाह पहले जो है मैं आग जला देती हूँ अच्छे तरीके से फिर जो है मैं रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी तो माशा से आटा जो मैंने ढाक कर रख दिया ये जो है बाद में मैं जो है पकाना स्टार्ट करती हूँ तो माशाल्लाह से रुकिया सिस्टर से पूछते हैं जो कि वो क्या कर रही है रुकिया का क्या कर रही हो किस चीज के लिए पानी अच्छा पानी उबालना है और जो है कपड़े धोने हैं जी। तो प्यार बहन भाई सिस्टर जाना रुकिया सिस्टर जाना पानी उबाल रही है वो जाना मशीन में डालेगी थोड़ा गर्म पानी देगा हो जाना कपड़े अच्छे तरीके से धो जाते हैं इसलिए जाना वो थोड़ा सा गर्म पानी करेगी नीम गर्म पानी तो वो मशीन में डालेगी और जाना कपड़े वगैरह धोना स्टार्ट करेगी इंशाल्लाह शेयर जरूर करेगी। माशा से किचन में जो है मैं पहुंच चुकी हूँ आज जाना जलाती हूँ आग आग जला के फिर जाना रोटी बनाना है नाश्ता दोपहर की रोटी नाश्ता मैं भूल गई दोपहर की रोटी बनाती हूँ क्योंकि जो है ना भूख लगी है तो जल्दी से बनाते हैं रोटी और सालन भी बनाएंगे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। आज जो हम बना रहे हैं आलू की अभी जो है ना आलू काटेंगे बनाएंगे अभी रोटी वगैरह बना लेते हैं फिर जो है ना बाद सालन बनाएंगे मैं सबसे रोटी आ चुकी है रोटी बनवाने के लिए पहले जो है ना मैं दो तीन पेड़े बना लेती फिर जो ना रोटी बनाऊंगी तभी हमने पहले जो है ना धो लिया था अच्छे तरीके से तो मशरूम से तीन पेड़ जो है ना हमारे बन चुके हैं अब जो है ना अभी भी हमारी गर्म हो चुकी होगी तो अब जो है ना हम जो रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं रोटी बनाना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तो मशरूम से पहली रोटी जो है ना मैंने तवे पे डाल दिया है चलिए अक्सा रेडी हो गई हो माशाल्लाह खेल रही हो अक्सा अक्सा रेडी हो गई हो पारे सूट भी पहन लिया है सीधे होकर बैठो बाय बाय तो कर दो बाय बाय तो कर दो चल बाय बाय कर अक्सा आंटी को बाय तो कर दो अक्सा आंटी को बाय तो कर दो तो माशा से सब्जी जो है ना हमारी आ चुकी है रात जो है ना हमने लिया था आलू तो आलू जो है ना हमने नहीं बनाया क्योंकि जो है ना मूड हो गया था तो शायद सब्जी ने कोई काम पे गए हुए थे तो सब्जी वगैरह
जो है ना हमने ली है, तो जो हम टाइम जो है ना कम था, तो इसलिए जो है ना हम चावल भर रखे थे वो राशन वाले, तो जो है ना हमने चावल बना लिए। तो आलू जो है ना हम अब बनाते हैं, रोटी वगैरह भी बना ली है और जो है ना अब आलू वगैरह छील रही हूँ। इंशाल्लाह जब बनाना स्टार्ट करूँगी शेयर रहना है हमारे साथ। माशाल्लाह मुर्गी जो है ना हमारी मिर्ची खा रही है, ये देखें एंजॉय वगैरह कर रही है। सब्जी वगैरह जो है ना मैंने अच्छे तरीके से काट लिया है। अब जो है मैंने सबसे पहले जो है ना मैं किचन की सफाई कर लूँ, फिर जो है ना खाना वगैरह बनाऊंगी। माशाल्लाह से किचन की सफाई जो है ना मैंने अच्छे तरीके से काट लिया। अब जरा घर के सामान वगैरह रेडी, फिर जरा पकाना स्टार्ट करती हूँ। सारी चीज़ें जो है ना मैंने रेडी कर लिया है। अब तो मेरी बॉली भी हमारी आ चुकी है, इसे जो है ना मैं अच्छे तरीके से धोती हूँ। फिर जो है ना इसमें जो है ना लहसुन और जो है ना सूखा धनिया कूटना है ना। माशाल्लाह से नलके पे जो है ना मैं पहुंच चुकी हूँ। पहले जो है ना मैं दमरी मोरी धो लेती हूँ अच्छे तरीके से। ये देखिए ये मशीन में कपड़ा भिगो दिया मशीन ने अच्छे तरीके से जी। अब तो आपको जो है ना तो मशीन जब से आई तो आपको जो है ना कपड़े धोने का फायदा हो गया। पहले जो तो आप कहते थे जो है ना मैं थक जाती हूँ, हो नहीं सकती। सही है, तो आप जो ना ये कपड़े वगैरह धो, तो मैं जो है सारे बना रही हूँ, रोटी बन गई है, फिर जो है दोपहर का खाना खाऊंगी सब मिलकर जी। क्योंकि लकड़ियाँ गीली है ना, इसलिए आग नहीं कर रही। तो लकड़ियाँ जो है शाम को इंशाल्लाह मैं आज से जो है शाम को रख दूंगी कमरे में, तो लकड़ियाँ अच्छे लेकिन सूखी है। याद जो है ना कुछ सर्दियाँ गई है तो किरान वगैरह होता है ना, तो गीली हो जाती है, इसलिए आग भी अच्छी नहीं जलती। तो माशाल्लाह से ये आग जो है ना हमारे अच्छे तरीके से जल चुकी है। अब जो है चूल्हे के ऊपर चढ़ाते हैं देखती भी, और देखती भी मैंने चूल्हा पे चढ़ा दिया। अब जो है इसमें करती हुई घी ऐड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से घी जो है हमारा ऐड हो गया। इसे अच्छे तरीके से ग्राउंड करके फिर जो है इसमें करेंगे प्याज ऐड, क्योंकि आज जो है ना हमने टमाटर सब्ज मिर्ची नहीं ली, शाम वाले जो है ना सब्जी और प्याज रखे थे, तो मैंने सोचा जब वो भून लूँ इंशाल्लाह दोपहर को जो है चल जाएगा, शाम भी जो है ना हम शाम को धोते हैं। माशाल्लाह से घी हमारा अच्छे तरीके से तड़कना स्टार्ट हो चुका है। अब जो है इसमें प्याज ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज भी हमारे ऐड हो गए हैं, इसे सब भून के फिर जो है इसमें करेंगे लाल मिर्ची ऐड। प्याज के और आलू को जो है ना मैंने ये देखे अच्छे तरीके से धो लिया है नाल पे, तो अब जरा पकाना स्टार्ट करते हैं। तो माशाल्लाह से प्याज जो है ना हमारे अच्छे तरीके से तड़क गए हैं। अब जो है इसमें करते हैं लाल मिर्ची ऐड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से लाल मिर्ची जो है ना हमारी ऐड हो गई है। अब जरा इसे अच्छे तरीके से भूनते हैं, फिर जो है इसमें करेंगे आलू ऐड। जब तक जो है ना हमारे मिर्ची भून के मैं जो है लहसुन वगैरह काट लेती कूट लेती हूँ। सारा हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। अब जो है ना इसमें करते हैं आलू ऐड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू भी हमारे ऐड हो गए हैं। अब जो है इसे अच्छे तरीके से जो है मिक्स करते हैं, फिर जो है इसमें करते हैं थोड़ा सा नमक ऐड, क्योंकि नमक ऐड करने से जो है ना वो
इसका अपना पान निकल आता है तो ये जो है ना अच्छे तरीके से गाल जाते हैं। पानी जो है ना ज़्यादा ऐड नहीं करना पड़ता। मौसम से आलू को जो है ना मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। आप जो है ना इसको लगाते हुए डाकू नहीं करते तो जो है ना लहसुन तोड़ लेती हूँ। जब तक जो है ना आलू हमारे भूनते रहेंगे तो मैं भी लहसुन कूट लूंगी। फिर जो है ना आलू में ऐड करके अच्छे तरीके से फ्राई करके फिर जो है ना इसमें करूंगी थोड़ा सा पानी ऐड करके। रोटी जो है ना अच्छी खाई जाती है लास्ट से तो वो थोड़ी सी जो है ना बनाऊंगी। तो माशा जी यहाँ पे देखें हमारा जो है आलू भी तैयार हो चुके हैं, रोटी भी आ चुकी है। रुकिया सिस्टर और अब्बू जान को दे दिया है, वो भी खा रहे हैं। जिस मेहन भाई ने खाना है वो आके हमारे साथ खा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हमने खाना वगैरह जो है दोपहर वाला खा लिया है। तो अभी यहाँ पे हम करते हैं वीडियो का एंड। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान पाक फौज सब बहन भाई अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।